आज हम जो इफेक्ट देखने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो शादी के फोटो में यूज़ किया जाता है। स्टूडियो वाले इफेक्ट को दिखा के फ़ोटो को बेहतर बनाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। इफेक्ट बनाने का दो तरीका है। पहला ये, एक फ़ोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करके उसके जो जो कपड़े पहने हैं उस कैरेक्टर ने, उस कैरेक्टर के कपड़ों को कलर छोड़ के बाकी बॉडी और बाकी हर चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि कैरेक्टर ने जो ज्वेलरी पहने उसे कलर छोड़ के बाकी सबको ब्लैक एंड करते हैं। ये इफेक्ट बहुत ही कॉमन है जो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिल जाएगा। ये उसका एक एग्जांपल है। यहाँ आप देखें कि जो कैरेक्टर का हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है सिवाय उनके गहने को छोड़ के। और उसका अच्छा एग्जांपल ये है, यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ किया गया वो ये है कि जो जो चीज़ लाल है उनके बॉडी में जो पहना गया है, जो जो चीज़ लाल पहना गया है उस चीज़ को कलर छोड़ के बाकी हर चीज़ को यहाँ ग्रे स्केल में रख देते हैं। ये और एक एग्जांपल है। ये एडिटिंग बहुत अच्छा एडिटिंग है, मैंने पहले ही कहा था, इससे पहले जो ट्यूटोरियल बनाया था यहाँ पे बहुत समझदारी से इसको एडिट किया गया है। आप थोड़ा सा मेहनत करें तो ये आप कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल देखने के बाद यहाँ किया ये गया है, इन्होंने जो पहना है उसका जो कलर है वो थोड़ा डिसेजुरेट है और जो इनका बॉडी का जो कलर है वो बहुत डिसेजुरेट है। इससे क्या है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट। और ये इफेक्ट वाकई में बहुत सुंदर इफेक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने इस फोटो को करना दिखाया था हॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा, पर यहाँ पे हम लोग जो अभी करने वाले एक फ़ोटो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा, पर उतना मुश्किल नहीं करने में, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले बार ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप उसे देखें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, मैंने उस ट्यूटोरियल के बिगनिंग में ये डिस्कस किया था कि ये इफेक्ट आया कहाँ से है, इसका हिस्ट्री क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो आप वहाँ ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो ये हमारा इमेज है, आप देखिए इसका इनपुट ये था और हमारा आउटपुट ये था। तो इसके बाद हम अब एक काम करते हैं, सब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हमें इस फोटो को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट यू, उससे आप इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो इफेक्ट है एडजस्टमेंट रिसेजरेट, ये इफेक्ट हमें यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ पे दूसरा इफेक्ट यूज़ करेंगे। वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा इस कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक टूल्स का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट मैप, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप देखें, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। मैं इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा नॉर्मल ग्रेडियंट एडिटर। इसमें से आप पहला वाला चूज़ करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ये करने के बाद आपका इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, पर अगर आप डिसेजुरेट करते कंट्रोल शिफ्ट यू इसका शॉर्टकट है, तो आपका इमेज ऐसा नहीं दिखता, वो बहुत फेड हो जाता है और वो डिसेजुरेट मुझे उतना पसंद नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये होने के बाद अब सबसे पहला मेरा काम है सिलेक्शन बनाने का। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स है जिसे हमको कलर छोड़ना है, जैसे कि इनका ड्रेस, इनका ज्वेलरी और यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो इस चीज़ों को हमें कलर छोड़ना है। और आप चाहे तो और एक दो चीज़ को कलर कर सकते हैं, जैसे कि इनका लिप्स, इनका आइज़, पर वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कलर करना चाहते हैं और किस चीज़ को कलर करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं पेन टूल लेके इस एरिया का, इस पार्ट का, इस तरफ का पार्ट का एक सिलेक्शन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे सिलेक्शन बनाने काम करने में इजी होगी। तो मैं यहाँ के लिए एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इसके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि जब आप सिलेक्शन बना रहे हो तो यहाँ पे आप इसे ऑफ कर सकते हो, तो ताकि आपको दिखे कि आपको इसका ड्रेस कहाँ तक गया है, इस पोर्शन तक इसका इनका ड्रेस है जो मुझे ऐसे कंडीशन नहीं दिख रहा है। तो मैं इसे ऑफ करके एक नॉर्मल सा सिलेक्शन बनाता हूँ पेन टूल से। अगर आपको पेन टूल यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था चेंज बैकग्राउंड एडवांस, वहाँ पे आप पेन टूल का यूज़ पूरी तरह जान सकते हैं। ये पेन टूल जो है वो बहुत कमाल का टूल है और ये फोटोशॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इसका सिलेक्शन बनाता हूँ। अभी मैं ये सिलेक्शन ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं रफ बनाऊँगा, पर आप जब बनाएं तो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाएं ताकि आपका इमेज बहुत अच्छा दिखे। ये इफेक्ट आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सिस्टर का फ़ोटो हो, शादी का फ़ोटो हो, उसे लेके आप इसे
एडिट करके उसे प्रिंट आउट करा के अपने घर में लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। ये बहुत लोगों ने ट्राई किया है जो मेरे दोस्त थी है, और इफेक्ट वाकई देखने लायक होता है। तो मैं यहाँ सिलेक्शन बना रहा हूँ। कुछ कुछ एरियाज़ में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्या किया जाए, मैं वो पूरी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसे क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इनका ड्रेस और ज्वेलरी मिला हुआ है, तो मैं एक रफ सेक्शन बनाता हूँ जो दोनों को ऐड कर ले। ऐसा आपको बहुत बार करना होगा, क्योंकि हर बार हर चीज़ परमानेंट नहीं होता, और बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए फिर कुछ नहीं हो सकता, बहुत हद तक एडिट किया जा सकता है। इसलिए मैं पेन टूल यूज़ करता हूँ। तो आप देखिए कि मेरा बेसिक सिलेक्शन कम्प्लीट हो गया है। ये सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, पर यहाँ पे हमको दिखाने के लिए काफ़ी है। ये करने के बाद, सिलेक्शन कम्प्लीट होने के बाद, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल इंटर। पेन टूल यूज़ करने के बाद पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे सिलेक्शन बन गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा फेदर देंगे। फेदर आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर। इस फेदर को हम देंगे 2 के आसपास, 2 काफ़ी रहेगा। ओके, अब इसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये जो पोर्शन है जहाँ वाइट हो गया है, इसे हम मास्क कहते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब जो सिलेक्शन है उसमें फिल करूँगा ब्लैक से। तो वो तो बहुत सिंपल है, ऑल्ट बैक स्पेस दाबूंगा, क्योंकि यहाँ में ब्लैक है, देखिए आप। अब मैं दाबूंगा ऑल्ट बैक स्पेस, जिससे ये कलर इस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा इस मास्क पे। देखते होता है कि नहीं, ऑल्ट बैक स्पेस। तो आप देखिए हमारा जो सिलेक्शन था वो अपने कलर पे आ गया है। ये काम किस तरह से कर रहा है, मास्क कैसे काम करता है, अगर मैं मास्क का बेसिक कॉन्सेप्ट कभी बनाऊंगा फ्यूचर में तो दिखाऊंगा कि मास्क कैसे काम करता है। तो यहाँ मेरा ये तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ कुछ ख़राब लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनका ज्वेलरी को इंक्लूड किया था, जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसे अब नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं काम करूँगा, ब्रश टूल में जाऊँगा। ब्रश टूल लिया, इसका चेक कर लूँगा हार्डनेस ऑफ फेदर। हार्डनेस रखता हूँ 50 के आसपास, और साइज वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसे इसके ऊपर पेंट करना होगा, मुझे वाइट पेंट करना होगा, क्योंकि ब्लैक पेंट करने से ये जो कलर वापस आ गया, मतलब ये कलर वापस आ गया, तो इसके ऊपर अगर हम वाइट पेंट करेंगे तो फिर से वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने ब्रश ले लिया है, हार्डनेस 50 के आसपास, साइज आपके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ मैं वाइट पेंट करूँगा और वो अपने आप गायब हो जाएगा। यही बहुत ही स्पेशल फीचर है मास्क का। मास्क बहुत काम आता है, मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको कि मास्क होता क्या है, कैसे काम करते हैं मास्क से। तो ये अब ठीक है, अब मुझे बेटर लग रहा है। पर आपको अगर कुछ अलग लगता है तो आप अभी भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं ब्रश टूल को ही यूज़ करूँगा बाकी जगह को कलर में वापस लाने के लिए। मुझे बस इस मास्क को सेलेक्ट करके हर जगह ब्लैक पेंट करना है जहाँ मुझे कलर चाहिए, और वाइट पेंट कर देंगे अगर मुझसे कोई गलती होगा। तो मैं इसे फटाफट यहाँ पे ब्लैक पेंट करूँगा। ब्लैक ले लेता हूँ, बस को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए कितना सिंपल है ये टेक्निक, मुझे बहुत पसंद है। आप इस बार एक बार ये टेक्निक करने लगेंगे तो आपको और कोई टेक्निक करने का मन नहीं करेगा। ऐसे एक चीज़ करने का हर बहुत तरीका होता है, पर ये तरीका बहुत बेस्ट में से एक है। इसे थोड़ा टाइम लेकर करेंगे तो आपका इफेक्ट बहुत सुंदर आएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया, अब मैं और आगे करूँगा। देखिए यहाँ छूट गया है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। आपको थोड़े सब्र से काम करना होगा इसमें। मैंने देखें इसमें इसको कलर किया है, पर इसके में डिटेल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें इस तरह तो अजीब दिख रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, अब मैं वाइट लूँगा और ब्रश को बहुत छोटा कर लूँगा, बहुत छोटा कर लूँगा। और देखिए यहाँ पे अब मैं डिटेल कैसे लाऊँगा, मैं जो एक्स्ट्रा हो गया है उसे डिलीट कर दूँगा। इस तरह से आप काम को और बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपको 2 टेक्निक दिखाया इसे करने का, आपको जो पसंद है वो कर से, या पेन टूल सेलेक्ट करें या सीधा ब्रश करें। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब मेरा सिर्फ ये बाकी रहा, मुझे यहाँ लेना होगा ब्लैक। ऐसे बस एक क्लिक करूँगा तो ये वैसा हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखता है। हमारा जो बेसिक था वो कम्प्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं और कुछ कलर करना, जैसे आईज़, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस एक क्लिक करना है आपको ऐसे, इस तरह से, तो ये कलर में आ जाएगा।
और ज़रूरी नहीं कि अच्छा दिखे या ख़राब दिखे, वो डिपेंड करता है। पर ये आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे लिफ्ट भी आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ लिफ्ट को नहीं करना चाहूँगा। आपका पर्सनल प्रिफ्रेंस है, आप जहाँ चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे वाइट पेंट करना होगा इसे हटाने के लिए। वाइट लेके मैं इसे ऐसे करके पेंट कर लेता हूँ, आइस को भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों यही था हमारा टूटल आज का। आई होप करके पसंद आया होगा, आप इसे ट्राई करें, मेरे फेसबुक के पेज में अपलोड करें, मैं उसे देखूँगा, कमेंट करूँगा। नेक्स्ट टूटल के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।